हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान के प्रैक्टिस सेट नंबर 20 के महत्वपूर्ण न्यू एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस को लेकर के आप सभी के बीच बना उपस्थित हुए हैं। ये प्रैक्टिस सीरीज आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, बिहार शिक्षक भर्ती, टीजीटी पीजीटी परीक्षा के साथ साथ यूजीसी नेट जेआरएफ वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। साथियों, आप सभी के लिए ये ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट का आखिरी सेशन है। इसके बाद आप सभी के साथ टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सीरीज शुरू की जाएगी, जैसा कि आप सभी की डिमांड है। प्रत्येक टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड करते हुए प्रैक्टिस सीरीज आप सभी के लिए तैयार कर ली गई है। कल से उसी पर काम किया जाएगा और वही प्रैक्टिस सीरीज आप सभी के लिए आगे जारी रहेगी। तो सबसे पहले सिंपल क्वेश्चंस को हम लोगों ने किया, जिसके अंतर्गत लगभग 20 प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए गए। आज ये 20वां प्रैक्टिस सेट है। उसके बाद टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ने वाले हैं और उसके बाद अगली प्रैक्टिस सीरीज जो आएगी चैनल पर, वो व्याख्यायित प्रश्नों के साथ आएगी। मतलब प्रत्येक चारों ऑप्शन की विस्तृत व्याख्या के साथ प्रैक्टिस सीरीज आएगी। आपकी इतनी बेहतर तैयारी कराने का प्रयास करेंगे कि जिससे आपकी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आगे की तैयारी फ्री ऑफ कास्ट जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो आइए साथियों देख लेते हैं पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 और इसके अंतर्गत इंक्लूड किए गए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत की आलोचना किसने की है? ऑप्शन ए व्यक्तिवादियों ने, ऑप्शन बी उपयोगितावादियों ने, ऑप्शन सी बहुलवादियों ने, ऑप्शन डी श्रम संघवादियों ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना बहुलवादियों ने की है। संप्रभुता के दो सिद्धांत हैं, एक है एक तत्व या एकलवादी सिद्धांत, दूसरा है बहुलवादी सिद्धांत। ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत जो एकलवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है, इसलिए इनके सिद्धांत की आलोचना बहुलवादियों ने की है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी ए ओ ह्यूम, ऑप्शन सी डब्ल्यू सी बनर्जी, ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डब्ल्यू सी बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। वहीं ए ओ ह्यूम जो हैं, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य का पहला विकृत स्वरूप है? ऑप्शन ए लोकतंत्र, ऑप्शन बी निरंकुश तंत्र, ऑप्शन सी अल्पतंत्र और ऑप्शन डी सम्मान तंत्र। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य का पहला विकृत स्वरूप जो है वो सम्मान तंत्र है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 2 जुलाई 1943, ऑप्शन बी 8 अगस्त 1943, ऑप्शन सी 1 सितंबर 1943, ऑप्शन डी 21 अक्टूबर 1943। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को की गई थी। सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? ये इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य को वर्ग शासन का परिणाम तथा उपकरण मानता है? ऑप्शन ए मार्क्स, ऑप्शन बी हॉब्स, ऑप्शन सी मिल और ऑप्शन डी ग्रीन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। मार्क्स यानी कार्ल मार्क्स, जो वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कहे जाते हैं, उन्होंने राज्य को वर्ग संघर्ष का परिणाम माना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एम एन रॉय ने भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी मॉस्को, ऑप्शन सी ताशकंद और ऑप्शन डी टोक्यो। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एम एन रॉय अर्थात मानवेंद्र नाथ राय ने भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना ताशकंद में की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस समाजवादी दल कब स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए 1931, ऑप्शन बी 1932, ऑप्शन सी 1933, ऑप्शन डी 1934। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग प्रारंभ करना, गलत है। ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति को पदच्युत करना, ये भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी नई अखिल भारतीय सेवाएं निर्मित करने की संतुलित करना, और ऑप्शन डी भारतीय राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना, तो ये भी ऑप्शन गलत है और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये राज्यसभा को केवल और केवल राज्यसभा को अधिकार प्राप्त है कि नई अखिल भारतीय सेवाएं निर्मित करने की संस्तुति करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दलविहीन लोकतंत्र का पृष्ठपोषण नहीं किया था? ऑप्शन ए गांधी, ऑप्शन बी विनोबा, ऑप्शन सी राजाजी और ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजाजी ने दलविहीन लोकतंत्र का पृष्ठपोषण या समर्थन नहीं किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह विचार कि राज्य अपने आप में एक साध्य है किसने व्यक्त किया था? ऑप्शन ए समाजवादियों ने, ऑप्शन बी मार्क्सवादियों ने, ऑप्शन सी फेबियनवादियों ने, ऑप्शन डी यूनानी चिंतकों ने। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दो, यूनानी चिंतकों ने यह विचार व्यक्त किया है कि राज्य अपने आप में एक साध्य है और उसके अंतर्गत रहने वाले सभी व्यक्ति एक साधन हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है किसने कहा है? ऑप्शन ए मॉरिस जोन्स, ऑप्शन बी ऑस्टिन, ऑप्शन सी जेनिंग्स और ऑप्शन डी वीनर। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेनिंग्स ने कहा है कि भारतीय संविधान जो है वो वकीलों का स्वर्ग है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है यह कथन किसका है? ऑप्शन ए डी बसु, ऑप्शन बी एम बी पोयली, ऑप्शन सी आइवर जेनिंग्स, ऑप्शन डी के सी वियर। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, के सी वियर ने कहा है कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक संविधान है। अगला प्रश्न है, सी आर दास का संबंध किस राजनीतिक दल से था? ऑप्शन ए स्वराज्य पार्टी, ऑप्शन बी किसान मजदूर पार्टी, ऑप्शन सी सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन डी जनसंघ। राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, सी आर दास का संबंध स्वराज्य पार्टी से था और इनके साथ में मोतीलाल नेहरू भी इससे जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, जनसंघ का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन बी दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन सी सावरकर और ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, जनसंघ के संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब समाजवादी समाज के ढांचे का संकल्प किया? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1957। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1955 ईस्वी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक न्याय का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, ऑप्शन डी बी सभी को समान आर्थिक अधिकार प्राप्त हो, ऑप्शन सी सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो और ऑप्शन डी सभी प्रकार की विषमताएं तथा जाति, रंग, व्यवसाय, लिंग आदि पर आधारित सुविधाएं समाप्त कर दी जाएं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक न्याय का तात्पर्य होगा कि सभी प्रकार की विषमताएं जैसे जाति, रंग, व्यवसाय, लिंग, धर्म आदि पर आधारित जो भी सुविधाएं किसी को प्राप्त हैं उन्हें समाप्त कर दिया जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जेएस मिल की पुस्तक का शीर्षक है? ऑप्शन ए फॉर लिबर्टी, ऑप्शन बी ऑन लिबर्टी, ऑप्शन सी एसेज ऑन लिबर्टी, ऑप्शन डी थ्योरी ऑफ लिबर्टी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, जेएस मिल की पुस्तक का नाम ऑन लिबर्टी है। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, उस समाजवादी विचार वर्ग जो उद्योग में लोकतंत्र और व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का पक्षधर है को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए समष्टिवादी, ऑप्शन बी गिल्ड समाजवादी, ऑप्शन डी संघवादी और ऑप्शन डी फेबियनवादी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उन्हें गिल्ड समाजवादी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, दबाव समूहों को किसने अज्ञात साम्राज्यों की संज्ञा दी है? ऑप्शन ए सी जे फ्रेडरिक, ऑप्शन बी एच जे फाइनर, ऑप्शन सी वी ओ की, ऑप्शन डी जे एम मिल। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, दबाव समूहों को अज्ञात साम्राज्यों की संज्ञा जे एच जे फाइनर महोदय के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, आमंड द्वारा किए गए दबाव समूहों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है संस्थापक दबाव समूह, ऑप्शन बी असंस्थात्मक दबाव समूह, ऑप्शन सी समुदायात्मक दबाव समूह और ऑप्शन डी असमुदायात्मक दबाव समूह। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, असंस्थात्मक दबाव समूह जो है आमंड द्वारा किए गए दबाव समूहों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद ने और राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया है। ऑप्शन ए 75 फर्स्ट, ऑप्शन बी 75 सेकंड, ऑप्शन सी 78 ए, ऑप्शन डी 78 वी। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी 78 वी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा था कि राजनीति को आध्यात्मिक रूप देना चाहिए? ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी विनोबा भावे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने कहा था कि राजनीति को आध्यात्मिक रूप देना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अधिकारों का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत, ऑप्शन बी अधिकारों का वैदिक सिद्धांत, ऑप्शन सी अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत, ऑप्शन डी अधिकारों का सावयवी सिद्धांत। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकारों का सावयवी सिद्धांत जो है वो अधिकारों का सिद्धांत नहीं, बाकी राज्य से संबंधित यह सिद्धांत होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से समकालीन राजनीतिक चिंतकों में से कौन न्यूनतम राज्य के विचार को प्रतिपादित करता है? ऑप्शन ए जॉन रॉल्स, ऑप्शन बी जॉन डीबी, ऑप्शन सी फ्रीमैन और ऑप्शन डी कार्ल पापर। राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, फ्रीमैन ने न्यूनतम राज्य के विचार का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने राज्य के कार्य के संबंध में बाधाओं को बाधित करने के लिए कहा है? ऑप्शन ए ग्रीन, ऑप्शन बी मिल, ऑप्शन सी हॉब्स और ऑप्शन डी हीगल। राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन ने कहा है राज्य के कार्यों के संबंध में कि बाधाओं को बाधित करना ही राज्य का कार्य है। अगला प्रश्न है, न्याय से प्लेटो का अभिप्राय क्या था? ऑप्शन ए विधि के समक्ष समानता, ऑप्शन बी दुर्बल वर्गों के हितों की रक्षा, ऑप्शन सी समाज में सभी के साथ समान व्यवहार और ऑप्शन डी जिस कार्य के लिए व्यक्ति अपनी प्रकृति से योग्य है वही उसी कार्य को करे। तो प्लेटो के अनुसार न्याय शब्द का अर्थ यही है कि जो व्यक्ति जिस कार्य के लिए अपनी प्रकृति से योग्य हो वह उसी कार्य को करे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लेटो के रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? ऑप्शन ए न्याय से संबंधित, ऑप्शन बी शिक्षा से संबंधित और ऑप्शन डी साम्यवाद से संबंधित, ऑप्शन डी दार्शनिक राजा से संबंधित। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक जिसका उपशीर्षक न्याय से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रिपब्लिक में दर्शाया गया आदर्श राज्य कैसा है? ऑप्शन ए आर्थिक समानता की स्थापना करता है, ऑप्शन बी वर्गविहीन समाज का निर्माण करता है, ऑप्शन सी वर्गविहीन समाज प्लेटो की रचना में आ ही नहीं सकता है। अगला प्रश्न है, विधि की सर्वोच्चता के सिद्धांत को मान्यता देता है, ऑप्शन डी श्रेणीबद्धता के सिद्धांत को स्वीकार करता है। तो राइट आंसर इसका होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, रिपब्लिक में दर्शाया गया आदर्श राष्ट्र श्रेणीबद्धता के सिद्धांत को स्वीकार करता है। अगला प्रश्न है, किसे भारत का महावृद्ध व्यक्ति या वयोवृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? आंसर आप सभी के माइंड में क्लिक कर गया होगा। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन सी एम जे रनाडे, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दादा भाई नौरोजी को जो है भारत का वयोवृद्ध या महावृद्ध व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है? ऑप्शन ए भारतीय राज्यसभा, ऑप्शन बी अमेरिका की सीनेट, ऑप्शन सी कनाडा की सीनेट, ऑप्शन डी फ्रांस की सीनेट। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, अमेरिका की सीनेट जो है वो विश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में बहुलवादियों में से किसका विचार है कि विधि राज्य से स्वतंत्र एवं श्रेष्ठ है? ऑप्शन ए डिग्बी, ऑप्शन बी क्रेब और ऑप्शन सी फॉलेट और ऑप्शन डी लास्की। राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, क्रेब का ये मानना है कि विधि जो है वो राज्य से स्वतंत्र एवं श्रेष्ठ है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक विधियां बुद्धिमत्ता की विधियां यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी ग्रीन। साथियों, इन सभी चीज़ों के बारे में जब राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों को हमने पढ़ाया है तो उसके अंतर्गत बहुत डिटेल्ड में आप सभी के लिए एक्सप्लेन किया गया है। उसकी प्लेलिस्ट आप लोग जरूर विजिट करें क्योंकि वहाँ से सारी चीज़ें आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में बताई गई हैं और वहाँ से आपके जितने भी डाउट होंगे इन सभी चीज़ों से जुड़े हुए अपने आप क्लियर हो जाएंगी। हालांकि इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। थॉमस हॉब्स जो है जिसकी प्रसिद्ध पुस्तक लेवियाथन है उसमें उन्होंने जो कहा है कि प्राकृतिक विधियां जो हैं वो बुद्धिमत्ता की विधियां हैं। अगला प्रश्न है, उदारवाद का प्रारंभिक साध्य था? ऑप्शन ए समानता, ऑप्शन बी संपत्ति, ऑप्शन सी स्वतंत्रता और ऑप्शन डी न्याय। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है राज्य की उत्पत्ति के संबंध में उदारवाद की सहमति क्या है। ऑप्शन ए शक्ति सिद्धांत में, ऑप्शन बी सामाजिक अनुबंध सिद्धांत में, ऑप्शन सी स्वाभाविक उद्भव संबंधी ग्रीक सिद्धांत में, ऑप्शन डी दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। राज्य के संबंध में उदारवाद की सहमति सामाजिक अनुबंध सिद्धांत में है। किस तरीके से है तो आप सभी लोग जानते हैं उदारवाद के जनक जॉन लॉक हैं और जॉन लॉक ने ही राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्क्स के अनुसार राज्य के गठन का आसन्न कारण क्या था। तो ऑप्शन नंबर ए पूंजीवाद है, ऑप्शन नंबर बी है शोषण, ऑप्शन नंबर सी है सामंतवाद और ऑप्शन नंबर डी है असमाधेयी वर्ग संघर्ष। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और इसका आंसर आप सभी लोग बताएं क्या होगा। तो मार्क्स के अनुसार राज्य के गठन का जो आसन्न कारण है वो था शोषण। और आप सभी को बता दें अगर सबसे, चलो आगे और देख लेते हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका उदारवाद से मेल नहीं है। ऑप्शन ए बुर्जुआ राज्य, ऑप्शन बी प्रतिनिधि सरकार, ऑप्शन सी लोक कल्याणकारी राज्य, ऑप्शन डी सीमित सरकार। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुर्जुआ राज्य जो है इसका उदारवाद से मेल नहीं है और ये मार्क्सवाद से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। ऑप्शन ए संप्रभु, ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन सी लोकतंत्री और ऑप्शन डी संघी। राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, संघी शब्द जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में उल्लिखित शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना उसकी अध्यक्षता करता है। ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा का स्पीकर, ऑप्शन सी विधान परिषद का अध्यक्ष और ऑप्शन डी राज्यपाल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, भारत का उपराष्ट्रपति सदन का सदस्य हुए बिना सदन की अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न है, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का रचयिता कौन है। ऑप्शन ए है जीडीएच कोल, ऑप्शन बी हीगेल, ऑप्शन सी टीएच ग्रीन, ऑप्शन डी रूसो। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टीएच ग्रीन की ये पुस्तक है। आप सभी लोगों को पुस्तकों पर एक अलग से वीडियो मिलेगा जिसके अंतर्गत सभी पुस्तकों के राइटर्स से क्वेश्चंस तैयार किए जा रहे हैं हैंड रिटन फॉर्म में। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक कानून तथा नागरिक कानून दोनों एक दूसरे में निहित, ये कथन किसका है। ऑप्शन ए हीगेल, ऑप्शन बी हॉब्स, ऑप्शन सी लॉक और ऑप्शन डी है रूसो। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है, ऐसा उसने नहीं माना है। ऑप्शन नंबर बी राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह हीगल का स्टेटमेंट है और ये भी वो नहीं मानता है। ऑप्शन नंबर सी है राज्य शोषण का एक साधन है और यही कथन आपको बता दें सही हो जाएगा मार्क्सवाद के अनुसार और कार्ल मार्क्स के अनुसार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्लेटो से संबंध है। ऑप्शन ए मनुष्य स्वभावता एक राजनीतिक प्राणी है, ऑप्शन बी पुष्पिन उतना ही सुखद है जितना काव्य, ऑप्शन सी राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, ऑप्शन डी अपने ऊपर अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु है। तो कौन सा कथन इसमें लिया गया है प्लेटो के विचारों से, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, ये स्टेटमेंट प्लेटो का है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हॉब्स के अनुसार व्यक्ति संप्रभु से ऊपर है। ऑप्शन नंबर बी संप्रभु जनता के प्रति उत्तरदायी है, ऑप्शन सी संप्रभु समझौते की शर्तों से सीमित है, ऑप्शन डी संप्रभु विधि से भी ऊपर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, संप्रभु जो है वो विधि से ऊपर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी जीवन का अधिकार और ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीवन के अधिकार को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से एक सूची में राजनीतिक विचारकों के नाम सही क्रम में लिखने हैं, कौन सी ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए बोंदा, लॉक, मॉन्टेस्क्यू, फिर ऑस्टिन, ऑप्शन बी मॉन्टेस्क्यू, लॉक, बोंदा, फिर मॉन्टेस्क्यू। तो ये तो होगा ही नहीं, इसमें दो बार ऑप्शन आ गया है। ऑप्शन सी लॉक, ऑस्टिन, बोंदा, मॉन्टेस्क्यू, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ऑस्टिन, लॉक, बोंदा, मॉन्टेस्क्यू। तो ए और डी में कौन सा राइट आंसर होगा? तो ऑस्टिन काफ़ी बाद में आए हैं और इस प्रकार से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। बोंदा फिर लाक आते हैं, उसके बाद मॉन्टेस्क्यू और ऑस्टिन सबसे बाद में। अगला प्रश्न है फांसीवाद का पृष्ठपोषक है, किसका पृष्ठपोषक है? राज्य की प्रशस्ति का, ऑप्शन बी व्यक्ति की गरिमा का, ऑप्शन सी प्रतिनिधि लोकतंत्र का, ऑप्शन डी संसदीय शासन का। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। फांसीवाद जो है राज्य की प्रशस्ति का पृष्ठपोषक है। अगला प्रश्न है हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था अनंत काल तक चल सकती थी यदि मनुष्य में निम्नलिखित में से एक कारक ना होता। क्या ना होता? ऑप्शन ए आशा, ऑप्शन बी लालच, ऑप्शन सी विवेक तथा हिंसात्मक मृत्यु का भय और ऑप्शन डी झगड़ालू प्रवृत्ति। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विवेक तथा हिंसात्मक मृत्यु का भय जो है ये ना होता तो प्राकृतिक अवस्था अनंत काल तक चलती हॉब्स के अनुसार। अगला प्रश्न है हॉब्स ने शासक की निरंकुशता को उचित ठहराया है किस आधार पर? ऑप्शन ए है राजा का एक शाही व्यक्ति होता है, ऑप्शन बी राजा को जनता से ने चुना है, ऑप्शन सी जनता शासन करने में अक्षम होती है, ऑप्शन डी मानव प्रकृति झगड़ालू एवं दुष्कर्मी होती है। राइट आंसर बिल्कुल यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के विधिवादी सिद्धांत का प्रमुख वक्ता है? ऑप्शन ए बोंदा, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी ऑस्टिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्टिन जो है संप्रभुता के विधिवादी सिद्धांत के प्रमुख वक्ता है। अगला प्रश्न है किसने कहा था कि संप्रभुता के सिद्धांत को राजनीतिक सिद्धांत से हटा दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए लास्की, ऑप्शन बी क्रैब, ऑप्शन सी लिंडसे, ऑप्शन बी बारकर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रैब ने कहा था कि संप्रभुता के सिद्धांत को राजनीतिक सिद्धांत से हटा दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है मार्क्स के समाजवाद को कहा जाता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी लोग जानते हैं, कहा जाता है उसे वैज्ञानिक समाजवाद। अगला प्रश्न है वह मध्ययुगीन नहीं रहा बिना आधुनिक बने, इस कथन का संबंध किससे है? ऑप्शन ए जेएस मिल से, ऑप्शन बी बेंथम से, ऑप्शन सी बोंदा से, ऑप्शन डी लॉक से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह कथन बोंदा से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों सामाजिक संविदा को नए रूप में फिर से प्रस्तुत किया है, किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए उक्साट ने, ऑप्शन बी अन्ना हारेंट ने, ऑप्शन सी रॉल्स ने, ऑप्शन डी ग्रामसी ने। राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों रूसो के राजदर्शन में सामाजिक इच्छा प्रतिनिधित्व करती है, किसका प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन ए जनमत का, ऑप्शन बी बहुमत का, ऑप्शन सी अधिकतम लोगों के अधिकतम हित का, ऑप्शन डी सामान्य हित की सामान्य चेतना का। तो राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, सामान्य हित की सामान्य चेतना का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी होता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी कानून मंत्री, ऑप्शन सी भारत का अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन डी सचिव कानून तथा न्याय विभाग। राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, भारत का अटॉर्नी जनरल जो है भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च शक्ति शब्द का प्रयोग करता है और संप्रभुता शब्द के प्रयोग से बचता है? ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी बेंथम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉक जो है संप्रभुता शब्द का प्रयोग नहीं करता है, संप्रभुता शब्द के स्थान पर सर्वोच्च शक्ति शब्द का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों यह किसने कहा कि कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को खराब कर दिया? ऑप्शन ए दांते, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी मार्क्स, ऑप्शन डी गांधी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूसो ने कहा था कि कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को खराब कर दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू हुआ था? ऑप्शन ए राजस्थान हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान उड़ीसा, ऑप्शन डी राजस्थान आंध्र प्रदेश। मामला हो गया कंफ्यूजन वाला, क्योंकि सब में है राजस्थान और हम सभी लोग जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में लागू हुई, यानी यहाँ पर थोड़ा सा घुमा दिया गया है क्वेश्चन को और इस तरीके से पूछा गया है कि पहले कौन से दो ऐसे राज्य थे जहाँ पर स्वतंत्र पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई? तो सबसे पहले लागू की गई थी राजस्थान में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, और इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। अगला प्रश्न है मार्क्स के अनुसार राज्य का गठन हुआ था, किस लिए हुआ था? गरीबी को दूर करने के लिए? नहीं भैया, ऐसा कहाँ हुआ था। शोषण को दूर करने के लिए? नहीं भैया। ऑप्शन नंबर सी शोषण को वैधानिक बनाने के लिए, ऑप्शन डी लोगों को सभ्य बनाने के लिए। तो भैया ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था। शोषण को उचित और वैधानिक बनाने के लिए मार्क्स के अनुसार राज्य का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति जो है स्वयं को सभी को समर्पित करता है तथापि वह स्वयं को किसी को भी समर्पित नहीं करता है। यह कथन किस विचारधारा या किससे जुड़ा हुआ है? तो उपरोक्त कथन जो पंक्तियां किस अवधारणा को अभिव्यक्त करती हैं? ऑप्शन ए त्याग, ऑप्शन बी सामान्य इच्छा, ऑप्शन सी संप्रभुता, ऑप्शन डी भ्रातृत्व। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सामान्य इच्छा को इंगित करती हैं। सामान्य इच्छा सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के उद्भव के विषय में मार्क्सवादी चिंतन का क्या मानना है? ऑप्शन ए राज्य शक्तिशाली वर्ग द्वारा अपने हितरक्षण के लिए बनाई गई संस्था है। ऑप्शन नंबर बी राज्य के ऐतिहासिक और प्राकृतिक एवं समय समय विकसित संस्था है। ऑप्शन नंबर सी राज्य दैवी शक्ति का वरदान है। ऑप्शन डी राज्य व्यक्ति द्वारा सोच समझकर बनाई गई संस्था है। साथियों ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे ऑप्शन गलत हैं। ऐसा मार्क्सवाद सोचता ही नहीं है। मार्क्सवाद केवल ये सोचता है कि राज्य की उत्पत्ति जो है या जो राज्य नामक संस्था है वो शक्तिशाली वर्ग द्वारा अपने हित रक्षण के लिए बनाई गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का सहायक कारक क्या है? ऑप्शन ए रक्त संबंध, ऑप्शन बी मूल सामाजिक प्रवृत्ति, ऑप्शन सी रक्त संबंधी और मूल सामाजिक प्रवृत्ति दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत को किसने सुपरिष्कृत किया है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल में, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स एवं एंजल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, ऑप्शन सी एंजल्स ने ओरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट में, ऑप्शन डी लेनिन ने स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसको आप मोस्ट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, लेनिन ने स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत को सुपरिष्कृत किया है। साथियों आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है आप सभी के लिए और बेहतर और अच्छा करने का। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्री ऑफ कास्ट तैयारी के लिए। और जिन साथियों ने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और अपनी परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्लेलिस्ट को विजिट करने के लिए भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट करें। तो आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं और चैनल से जरूर जुड़ें क्योंकि कल से शुरू हो रही है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सीरीज। आज का अंतिम प्रश्न है, समाजवादी निम्न का प्रतिपादन करते हैं। ऑप्शन ए, सॉरी दोस्तों अगला ऑप्शन देखते हैं, कोई आर्थिक नियोजन ना हो। ऑप्शन बी बहुराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आर्थिक नियोजन हो। ऑप्शन सी व्यक्तियों द्वारा आर्थिक नियोजन हो और ऑप्शन डी राज्य के द्वारा नियोजन हो। तो आज के वीडियो के अंतिम प्रश्न का राइट आंसर भी अंतिम है और ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये थी आप सभी लोगों की एक सिंपल प्रैक्टिस सीरीज जिसके अंतर्गत 20 प्रैक्टिस सेट्स हल किए गए हैं। अब आगे आप सभी के लिए थ्योरेटिकल के साथ साथ जो है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सीरीज शुरू की जाएगी। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो और आप सभी के आगे आने वाले एग्जाम्स बेहतर जाएँ।